हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कंपनी ने डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट इसी से रिलेटेड यहाँ पे ऐलान कर दिया। सो जरूर इस वीडियो को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि 10 जून आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो और एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाला है, एंड वो है येस बैंक। येस दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, येस बैंक यहाँ पे 10 जून आज ही के दिन यहाँ पे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग रहती है वो कंडक्ट यहाँ पे करने वाली थी, एंड उसका आउटकम भी यहाँ पे आने वाला था। वो मीटिंग किससे रिलेटेड थी वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के दिन उसी से रिलेटेड हम लोग को 3% की तेज़ी देखने को मिली, एंड जो एक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे सामने आई है, राइट। सो जरूर हम लोग कह सकते कल के दिन भी शायद से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को भी मिल सके। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक महीने का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते एक सडनली तेज़ी, या फिर 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न शायद से ठीक रहेगा। येस, आप देख सकते यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। येस बैंक में लगभग 9 से 10% के आसपास। इसका पीछे का रीज़न ही वही था कि यहाँ पे फंड रेजिंग की बात यहाँ पे चल रही थी, अप्रूव नहीं हुआ था, बातचीत यहाँ पे चल रही थी कि ऐसा होने वाला है, कब होने वाला है, 10 तारीख को मीटिंग कंडक्ट होगी एंड वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि क्या फंड रेजिंग करनी है, एंड करेंगे तो उसका साइज़ कितना रहेगा, कितने करोड़ का। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो आज हम लोग को यहाँ पे उसका आउटकम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। आप सभी लोगों को पता है उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे येस बैंक चल रहा था, एंड कल के दिन सडनली बाजार गिरा तो यहाँ पे भी हम लोग को लगभग 4 से 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि येस बैंक ने जो फंड रेजिंग की बात की थी उससे रिलेटेड आउटकम यहाँ पे कैसे आया है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा यहाँ पे BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, बट एक बार फॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। 10 जून की बात करें तो 44% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं सर कैसे फाइंड करने का, वो भी फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, गूगल ओपन करना होता है, देन उसके बाद आपको टाइप करना है येस बैंक शेयर प्राइस। ये देखिए BSE, ये जो लिखा है वो आप लोग इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं सिर्फ येस बैंक BSE भी लिख दूंगा, बैंक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड इंटर कर लूँगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे देखने को मिल रहा है। तो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करने का तो पहली साइट यहाँ पे आ जाती है BSE, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्लिक करना होता है, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है, राइट। एक बार सीख लेंगे तो उनको उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि नाम के यहाँ पे लिखा हुआ है 5, मतलब ये 5 नए अपडेट्स यहाँ पे आए हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो, बट नॉर्मली मैं प्रीफर करूँगा कि हम लोग नीचे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जाएँ। अनाउंसमेंट करके रहेगा, आप देख सकते हैं ये देखिए अनाउंसमेंट करके आ चुका है। तो आज के दिन 10 तारीख है तो 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो ये देखिए ये 7 तारीख का लिखा हुआ है, तो वो कोई अभी फिलहाल रिलेवेंट नहीं है। तो ये 2 कौन से हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, राइट, इसी से रिलेटेड हम लोग आए थे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटा ओपन हो जाएगा, एंड साइड में जाओगे तो आपको ये PDF मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, एंड यही एक ही पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फंड रेजिंग से रिलेटेड उनका जो यहाँ पे एजेंडा था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यस दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे आज के दिन ही 10 तारीख को मीटिंग कंडक्ट की है, एंड यहाँ पे साइज भी डिसाइड हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फंड रेजिंग से रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, एंड वो भी कितना है अमाउंट, 10,000 करोड़। यस दोस्तों, 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। ये न्यूज़ आप लोगों ने बाकी कंपनीज में सुनी होगी, बट वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा हम लोग को, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, बट इस कंपनी में ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में चलती है, क्या येस बैंक स्ट्रगलिंग मोड में, ऑब्वियसली है। आप सभी लोगों को बताए 500 का स्टॉक 14 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है, राइट। जो नए मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, हालांकि वो इतना ईजी नहीं है कि इतना बड़ा झोल बिल करके रखा हुआ था, फ्रॉड बिट सारी चीज़ें थी, राइट, उसको कुछ ही सालों में सब कुछ ठीक करना, राइट। तो बहुत ज़्यादा उसके लिए टाइम लगने वाला है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो ऐसे कंपनी के लिए फंड रेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग पार्ट रहता है, एंड अगर उसको अप्रूवल मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात भी रहती है। मैंने इससे पहले भी आपको एक बताया था कि वोडाफोन आइडिया में भी कभी भी फंड रेजिंग का न्यूज़ आता है तो वो स्टॉक आराम से 10-15-20% मतलब भागते हुए आप लोगों को देखने को मिलता है। सो येस बैंक में भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये देखिए 4:30 बजे हम लोग को
मीटिंग कंक्लूड होते हुए यहाँ पे देखने को मिली एंड उसके बाद ये न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। सो 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव साइन वाली बात है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि जाके डायरेक्टली बहुत बड़ा पोजीशन बना लो, ये तो चीज़ें इसके पहले भी हुई थी। 10,000 करोड़, इसके पहले 20,000 करोड़ के भी फंड रेजिंग, नहीं 10,000 करोड़ का ही हुआ था, यस 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान हुआ था। तो ये चीज़ें चलती रहती है, कैसे फंड रेज करेंगे वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगी, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, वाया डेप्ट रहेगा, राइट, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे जो लॉज रहते हैं उनके भी अप्रूवल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये फंड रेज यहाँ पे कर पाएंगे। तो न्यूज़ बहुत अच्छी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग यहाँ पे लगा दो। ऐसा क्यों? तो इसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ, इस वीडियो में भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए येस बैंक के रेवेन्यू को यहाँ पे मैंने ओपन किया है 2017, 18, 19, 20, 21, राइट, ये वाला जो रेवेन्यू है उसको तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रोविजनिंग हाइड की गई, प्रोविजनिंग मतलब ये सारी चीज़ें हाइड की गई थी। तो रेवेन्यू नहीं, हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं, ये ठीक रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सारी चीज़ें थी यहाँ पे प्रोविजनिंग हम लोग को हाइड होते हुए देखने को मिला था। प्रोविजनिंग मतलब ऑलरेडी बैंक ने ऐसे पार्टीज़ को पैसा दिया था वो डूब चुका है, राइट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कुछ कानून बनाए हुए हैं, राइट, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है आप लोगों को कि आपका पैसा जा चुका है। तो परसेंटेज वाइज प्रोविजनिंग रहती है, तो उन्होंने वो किया नहीं था, हाइड किया था, तो इसके चलते क्या होता कि ये प्रॉफिट देख रहा था, एक्चुअल में वो प्रॉफिट था ही नहीं। एंड जिस दिन भांडा फूटा, आप लोग देख सकते हो 2020 में -22,730, मतलब 23,000 करोड़ का लॉस, इतना बड़ा लॉस था, मतलब पैसा गया हुआ था वो वापस आया ही नहीं था, एंड वो उसकी रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे नहीं थी, तो इसीलिए वो प्रॉफिट में देखने को मिल रहा था। इसीलिए नंबर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सिर्फ ऊपर से भी नहीं, अगर हम लोग देखें तो नंबर्स वहाँ पे भी हम लोग को नॉर्मल देखने को मिल रहे थे, बट डीपली हम लोगों को तब सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी होती है, एक्सपेंस पढ़ने होते, तब जाके वो कुछ ना कुछ हिंट्स हम लोगों को लगती जाती है। देन अभी की बात करें 2021 में, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम फिलहाल हम लोग को यहाँ पे नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द 2020, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पुराने प्रमोटर थे वो तो निकल गए। उसके बाद बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर की, तो 15% था, 15% से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किए, 13% 13.5% के आसपास अभी फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है। देन डीआईएस की बात करें, डीआईएस में ये सारे हमारे बैंक्स आ जाते हैं जिन्होंने येस बैंक में पूंजी लगाई थी, आप सभी लोगों को पता है तभी अप्रॉक्सीमेटली 69% ये जो बैंक्स थे उन्हीं के पास थे, राइट। LIC भी इसमें आते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो बीच में आप लोगों को पता है बहुत सारे बैंक्स ने बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें दिसंबर से लेके मार्च क्वार्टर, तो 47.34 था जो कि अभी 46.72 है, तो 1% यहाँ पे DIS ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है। उसी के साथ साथ बात करें पब्लिक, तो आप सभी लोगों को पता है पब्लिक का इंटरेस्ट येस बैंक में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए नहीं कि फंडामेंटली कैसे प्राइस बहुत छोटा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट यहाँ पे रखते हैं इस उम्मीद में कि शायद से एक दिन ये वापस 500 पे जाएगा। क्या जा सकता है? 5,000 पे भी जा सकता है, बट ऐसे हवे में नहीं हम लोग बोल सकते, कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, राइट। ये इतने बड़े लॉसेस है, NPS जो आप सभी लोगों को पता है 40,000 करोड़ के NPS है, उसको कम करना आना चाहिए, तब जाके अगर हो जाता है तो डेफिनेटली धीमे धीमे करके वो आगे बढ़ेंगे, 20 रुपया, फिर 25, 30, 40, 50, ऐसा नहीं डायरेक्टली 500 देखना शुरू हो जाएगा, राइट, ये बेतुकी बातें हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक 37.64, सो यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि येस बैंक जो पुरानी येस बैंक थी वो तो अभी येस बैंक यहाँ पे रही नहीं, बट जो पुराने मैनेजमेंट ने, जो पुराने जो लोग थे उनके अंडर जो येस बैंक थी, जो उन्होंने यहाँ पे जख्म दिए, ऑब्वियसली वो इतने इजीली हील यहाँ पे होने वाले नहीं है, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। क्यों येस बैंक को बार बार फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसीलिए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, ये बात अच्छी है कि फंडिंग के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, न्यूज़ अच्छी है, बट अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा ये न्यूज़ कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी आई थी, शायद से आगे भी आ सकती है। तो इस चीज़ को पकड़कर आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा क्वांटिटीज़ में खरीदूंगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा मेरे पास भी है, बट मेरे पास इतने ही शेयर्स है कि कल अगर ये जीरो भी हो जाता है, राइट, तो मुझे नुकसान ही देखने को मिलेगा, बट मेरे पूरे ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है, राइट, उसके ऊपर उसका 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते कितने कम क्वांटिटीज़ मेरे पास रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ बहुत ही छोटा अमाउंट आप लोगों ने लगाना चाहिए, एंड अगर आपको लगता ही है कि ये अच्छा करेगा, तो ये अच्छा कैसे करेगा? कंपनी के नंबर अच्छे आने चाहिए, जो भी इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें होती है वो तो दिखनी चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है, उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है,
एनपीएस जो सबसे बड़ा इनका इशू है राइट, वो अगर प्रॉपरली रिकवरी में यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा बीच में 2000 करोड़ रिकवर किया था रिलायंस से भी इन्होंने, अगर ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे करना शुरू कर देते, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा जिन जिन लोगों ने इनके साथ डिफॉल्ट यहाँ पे किया करंट स्टेट में भी राइट, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके हम कह सकते कि वापस ये रिकवर कर सकता है। बट ये इसके लिए बहुत साल लगने वाले, ऐसा नहीं कि चंद कुछ महीनों में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, ऐसी बिल्कुल भी बात यहाँ पे नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे ज़्यादा वक्त यहाँ पे लग सकता है, तो इसलिए बहुत बड़ी पूंजी लगा के आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए, धीमे धीमे करके ही आप लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए राइट। हमेशा जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप बैंकिंग स्टॉक में ही इंटरेस्ट दिखाते हो तो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ रहो, एंड आखिरी में अगर आपको तुक्का थोड़ा सा लगा नहीं है, रिस्क थोड़ा सा लेना ही है राइट, एक कैलकुलेटिव रिस्क कि अगर पैसा चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। बट ये स्ट्रैटेजी रिवर्स मत कर देना, मतलब 90% 100 रुपये में से 90 रुपया यस बैंक में लगा दिया, 10 रुपया बाकी स्टॉक्स के लिए, तो ये गलत स्ट्रैटेजी लगती है, ऐसा मुझे लगता है राइट। सो धीमे धीमे करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है, अननेसेसरली कोई भी ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।